जिनको भी हिंदू माइथोलॉजी पे इंटरेस्ट है या रामायण महाभारत पढ़ना पसंद है उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों टीवी सीरियल्स पे तो आपने महाभारत देखा होगा लेकिन उसमें कुछ भी रियल नहीं होता, इसलिए आज मैं ओरिजिनल किताब पढ़ के बताऊंगा कर्ण की जन्म की कथा। देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कुंती को दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति, सूर्यदेव का आवाहन और उनके संयोग से कर्ण का जन्म एवं कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच कुंडल की दान। तो यहाँ पे वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से, वैशंपायन जी जो थे वो वेदव्यास जी के शिष्य थे और जन्मेजय अभिमन्यु का पोता। तो एक यज्ञ के दौरान ये कहानी सुना रहे हैं। यदुवंशियों में श्रेष्ठ सूरसेन जो थे, जो वसुदेव जी के पिता थे, उन्हें एक कन्या हुई जिनका नाम रखा गया प्रिथा। दोस्तों ये कुंती देवी का पहला नाम है, मतलब प्रिथा ही कुंती है। इस भूमंडल में उसकी रूप की तुलना दूसरा कोई स्त्री नहीं थी। भारत सत्यवादी सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट दूंगा। उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई, अतः वो महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उनके मित्र सूरसेन ने वो कन्या दे दी। पिता कुंती भोज के घर पर पिता को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं। पिता उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे, उनका हृदय कठोर था, फिर भी राजकुमारी प्रिथा ने सब प्रकार से यज्ञों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट किया। तो दोस्तों आपने मूवीज़, ब्लॉग्स या टीवी सीरियल्स पे देखे होंगे, ऐसा नहीं दिखाया जाता, इसलिए मैं ओरिजिनल किताब पढ़ के बता रहा हूँ। मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे। यहाँ पे संस्कृत में भी लिखा है लेकिन संस्कृत का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो मैं पढ़ रहा हूँ। दुर्वासा जी ने पिता पर आने वाली मावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया, वो उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले, सुबह तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आह्वान करोगी उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। महर्षि दुर्वासा के ये कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वो राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों उसके मन में ये जानना था कि सच में देवता आते हैं कि नहीं, इसलिए उन्होंने मंत्र का आह्वान किया। आह्वान करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्र वाली कुंती, यह मैं आ गया, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हें बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्त कराने के लिए उपस्थित हुआ। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्यदेव समझो। कुंती ने कहा, शत्रु को नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आह्वान का मंत्र प्रदान किया है, उसी की परीक्षा के लिए मैंने आह्वान किया था। यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमापूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों का सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे
काफी अच्छी बात कही गई है। तब सूर्यदेव बोले, सुबह मैं ये सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है, तुम ये भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। सुबह मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आह्वान किया है भीरु, यदि यह आह्वान व्यर्थ हुआ तो भी निस्संदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। तो दोस्तों, वो द्वापर युग था, उसके कुछ रूल्स थे, कुछ धर्म थे जो इंसानों को पालन करना होता था, और वो युग, वो लोग अलग थे। यहाँ पे जो लिखा गया है ये अभी के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, अभी के लोगों का जो जैसा दिमाग है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, भरत, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कही, किंतु अभी मैं कुमारी कन्या हूँ ये सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलाने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी विवश थी। भरत श्रेष्ठ उस समय सूर्यदेव ने पुनः उनसे कहा, सुंदर मुख एवं सुंदर भौहें वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसा पुत्र का निर्माण होगा वो सुनो। तो यहाँ पे सूर्यदेव कुंती को समझा रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव को विधि का विधान पूरा करना है। तो वो कहते हैं, सुचि स्मिते वो माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवचों को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वो कवच किन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से टूट ना सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मण के लिए अदेय ना होगा। मेरे कहने पर भी वो कभी अयोग्य कार्य या विचारों को अपने मन में स्थान ना देगा। ब्राह्मणों के याचना करने पर वो उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा ही, साथ ही वो बड़ा स्वाभिमानी होगा। तो ये वरदान दे रहे हैं सूर्यदेव, रानी मेरे कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। कुंती राजकुमारी कुंती से यह कह कर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वो देवकुमार समान तेजस्वी और शोभा संपन्न था। जन्म के साथ ही वो कवच धारण किए वो बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोगों में विख्यात है। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात्व प्रदान किया, मतलब वरदान दिया कि तुम फिर से कुमारी बन जाओगी। तत्पश्चात तपने वाले वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देवलोक में चले गए। उस नवजात कुमार को देखकर वंश की कन्या कुंती हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने एकाग्रचित से विचार किया कि अब वो क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। उस समय कुटुंबीजनों के भय से उसने उस अनुचित कृत्य को छुपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को महायशस्वी सूत पुत्र आदिरथ ने, जिनकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया। उसने और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उन दमंती ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया, वो वशु कवच कुंडल धारियों में धन के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए वशुसेन नाम से प्रसिद्ध हो। तो मतलब कर्ण का पहला नाम वशुसेन रखा गया। तो दोस्तों, एक सीरियल आया था सूर्यपुत्र कर्ण, उसमें दिखाया गया था कि जो राधा जो थी वो कर्ण से नफरत करती थी पहले बचपन में। तो देखिए उसमें कितना गलत दिखाया गया है। तो सच्चाई क्या है आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। उन्होंने कर्ण को अपना पुत्र बनाया, मतलब वो नफरत नहीं किया। वो बलवान बालक बड़े होने के साथ ही वो सब प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण हुआ। पराक्रमी कर्ण प्राप्त काल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठभाग की ओर ना चले जाते, सूर्य प्रस्थान
करता रहता था, मतलब वो सूर्यदेव का भक्त था। इसलिए उस समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वो ब्राह्मणों को मांगने पर ना दे सके। किसी समय की बात है, सूर्यदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, वीर मेरी बात सुनो, आज की रात बीत जाने पर सवेरा होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे और उस समय वे ब्राह्मण वेश में होंगे। यहाँ आकर इंद्र यदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें देना मत, उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडलों को अपहरण करने का निश्चय किया है, अतः मैं तुम्हें सचेत किए देता हूँ, तुम मेरी बात याद रखना। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वो वस्तु ना दूँ। ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय है। देवाधिदेव इंद्र ही ब्राह्मण रूप में आए हैं, ये जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूँगा। तो सूर्यदेव बोले, वीर यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे, उस समय तुम उनसे संपूर्ण शस्त्र अस्त्र का निराकार करने वाले वर की मांग लेना, यानी इंद्रास्त्र अमोघ शक्ति लेने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे विष्णुपैन जी कहते हैं, सपनों में युग कहने पर मतलब कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कर्ण जाग गया और स्वप्न की बातें चिंतन करने लगा। तत्पश्चात एक दिन महा तेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उनसे उन्होंने कवच और कुंडल मांगा। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपना शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उखेड़कर दोनों कुंडलों को भी काटकर दिया। कवच कुंडल को लेकर उसके ये कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, यह तो बड़े साहस का काम है, देवता दानव यक्ष गंधर्व नाग और राक्षस इनमें से किसी भी ऐसा साहस नहीं जो ये काम कर सके। देवता भला कौन ऐसा कार्य कर सकता है। यूँ कहकर वे स्पष्ट बाणियों में, वीर मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूँ ऐसा कहते हैं इंद्र, इसलिए तुम जो चाहो वही वर मांग लो। कर्ण ने कहा, भगवान आपकी दी हुई अमोघ वर चाहता हूँ जो शत्रु का संहार करने वाली हो। तब देवराज इंद्र ने बदले में उसे अपनी ओर से एक वर्षी प्रदान की और कहा, वीरवर तुम देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग तथा राक्षसों में भी जिस एक को जीतना चाहोगे वही इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा। पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वसुसेन कहा जाता था, तत्पश्चात अपने शरीर से कवच को कतर डालने के कारण, मतलब कवच कुंडल देने के कारण वह कर्ण और वैकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों ये थी कर्ण की कहानी और आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग चैप्टर अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।